तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना बोट का पार्ट टू कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वेरियस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी दोस्त मैंने पार्ट वन में पढ़ाया है, जो भी ट्रिक्स, उस ट्रिक्स के दो या तीन ट्रिक्स हैं और सभी के सभी क्वेश्चंस आप आसानी से बना पाएंगे। फ्रेंड्स, तो आप अगर ये डायरेक्ट पार्ट टू देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप पार्ट वन को पहले देख लें, फिर आप पार्ट टू को देखेंगे, तो आपको क्वेश्चन जो है सो कैसे बनेगा वो तुरंत से तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि स्टील वाटर में जो मैन या बोट की स्पीड होती है उसको हम लोग एक्स मानते हैं, और जो वाटर करंट की स्पीड होती है फ्रेंड्स उसको हम लोग वाई मानते हैं। द स्पीड ऑफ द बोट फ्रेंड्स, एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और जो वाई की वैल्यू है क्या दिया हुआ है, सॉरी 15 है, 15 है ना, और क्या है फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम में फ्रेंड्स, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम रेट फ्रेंड्स, डाउन स्ट्रीम रेट क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, मतलब क्या फ्रेंड्स, 15 प्लस 5 बराबर 20। हाँ अच्छा, और अप स्ट्रीम रेट क्या होगी फ्रेंड्स, अप स्ट्रीम रेट क्या होगी, तो एक्स माइनस वाई, तो क्या होगी फ्रेंड्स, 15 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। हाँ, तो डिस्टेंस आपको बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो चलिए ए के लिए हम लोग करते हैं, डाउन के लिए क्या है फ्रेंड्स, 20 है, तो डिस्टेंस डी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 20, और इन कितना मिनट फ्रेंड्स, 24 मिनट। तो आपको पता है कि इस मिनट को हमको आवर में चेंज होगा करना, क्योंकि आप बिना आवर में चेंज किए जो है सो नहीं बना सकते हैं इसे, क्योंकि ये जो है सो पर आवर में इसकी स्पीड दी हुई है। तो हम लोग 24 की जगह क्या लिख लेंगे, 24/60, तो 20 तिया का 20 तिरीका 60 और 3 8 24, तो फ्रेंड्स 8 किलोमीटर। ये फ्रेंड्स 24 मिनट में अगर ये स्पीड डाउन स्ट्रीम है, सॉरी, अगर वो डाउन स्ट्रीम में चलना चाहेगा, मतलब धारा के साथ चलना चाहेगा फ्रेंड्स, तो आपको उसके लिए जो है सो 8 किलोमीटर चल पाएगा वो 24 मिनट में। तो चलिए बी पार्ट भी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर भी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ये फ्रेंड्स क्या है, अप स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम के लिए वेलोसिटी 10 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 24/60, तो 10 6 24, 6 6 का 24, तो फ्रेंड्स डी बराबर क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर। हाँ, तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इफ द मैंस डाउन स्ट्रीम रेट इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ स्ट्रीम इज इतना, देन द मैंस अप स्ट्रीम रेट विल बी। आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स कि आपको कैसे याद रखना है ट्रिक इस पे, तो आपको, आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको मैंने जो एक बहुत ज़्यादा याद इजीली याद करने की जो मैंने तरीका बताया था फ्रेंड्स, आप उसे देख लें, ताकि आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने पे जो इसका, देखिए फ्रेंड्स इसका तुरंत से आंसर 7 हो जाएगा अगर आप वो ट्रिक देखेंगे। चलिए मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्ट्रीम रेट फ्रेंड्स क्या होता है, 1/2 इंटू अप सॉरी डाउन स्ट्रीम रेट, डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट है ना। तो स्ट्रीम रेट आपको फ्रेंड्स दी हुई है 1.5, तो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 1/2, और डाउन स्ट्रीम रेट आपको दी हुई है 10, और अप स्ट्रीम रेट आपको निकालनी है। तो अप स्ट्रीम को हम लोग वी यू लिख लेते हैं, वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 10 माइनस वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये काफ़ी इजी ट्रिक्स थी फ्रेंड्स, आप जो है सो इसे देख सकते हैं। अब देखिए, आप लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए मैन रोज अ 40 किलोमीटर
अप स्ट्रीम इन 8 आवर एंड 36 किलोमीटर डाउन इन 6 आवर, देन व्हाट इज द स्पीड। अच्छा चलिए फ्रेंड, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो फर्स्ट केस में क्या है फ्रेंड्स, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी अप स्ट्रीम के लिए, तो वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम इनटू टाइम लिख दीजिए। डिस्टेंस कितना किलोमीटर फ्रेंड्स चल रहा है, 40 किलोमीटर, वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम। चलिए तो इसमें फ्रेंड्स हम मान लेते हैं क्या, जो मैन की जो रेट है वो एक्स है चलने की स्टील वाटर में, और ये जो वाटर करंट की स्पीड है वो वाई है। तो ठीक है, तो वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम आपको क्या होता है फ्रेंड्स, पता है कि एक्स माइनस वाई होती है, और टी कितना है फ्रेंड्स 8 आवर में, तो 8 × 5 = 40, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 5। उसी तरह से आप यहाँ पे सेकेंड वाले केस में फ्रेंड्स भी यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएं, वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम इंटू टी, तो वेलोसिटी कितना, आपकी डिस्टेंस कितना दे रखी है इन्होंने 36, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है फ्रेंड्स जोड़ देते हैं, टाइम कितना लग रहा है 6, 6 × 36, तो आपका एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स 6। और हमको क्या निकालना है हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, मैंस तो फ्रेंड्स ये क्या है आपका बताइए, ये तो वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम है कि नहीं है, वेलोसिटी इन क्या है फ्रेंड्स डाउन स्ट्रीम है, तो ये 6 है, ये वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम है, ये क्या है 5 है। तो जब आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स कि वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम पता हो, वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम पता हो, तो आप डायरेक्ट मैन का स्पीड मैंस रेट कैसे निकाल सकते हैं इन स्टील वाटर फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, 1/2 × VD + VU। और मैंने फ्रेंड्स पार्ट 1 में इसको याद रखने की बहुत ही आसान तरीका बताया है, आप उसे देखें, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी प्लस माइनस में। तो फ्रेंड्स 1/2 × 6 + 5, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 11/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 11/2 किलोमीटर पर आवर। और इसी जगह फ्रेंड्स अगर पूछा होता क्वेश्चन में क्या कि फ्रेंड्स अगर इसी जगह क्वेश्चन में पूछा होता आपसे कि आप स्टील आप वाटर करंट की रेट बताइए, है ना, तो वाटर करंट की रेट क्या हो जाती है फ्रेंड्स 1/2 VD - VU, है ना, तो 1/2 आप क्या करें कि VD क्या है 6 - 5, क्या हो जाएगी फ्रेंड 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसे आप मैं फ्रेंड्स आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रेंड्स आप वेलोसिटी बराबर क्या जानते हैं, वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो आप सीधे लिखिएगा क्या VU इज इक्वल टू 40/5 और VD इज इक्वल टू क्या 36/6। तो आपको ये सब चीज़ फ्रेंड्स ने ये चूंकि मैं इस तरह लिख दिया हूँ क्योंकि ताकि बहुत सारे बच्चे जो है सो समझें आखिर कैसे लिखा गया है इसे। तो फ्रेंड्स आप ये इतनी सारी स्टेप आराम से स्किप कर सकते हैं, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ से लिखते हैं VU लिखें, VD लिखें और आंसर लिख दिए, ये सब चीज़ें फ्रेंड्स समझाने के लिए की जाती हैं, तो आप इसे देख लेंगे ठीक है कि आपको कौन सा स्टेप जो है सो स्किप करना है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ए मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स एक्स इज इक्वल टू 4.5 किलोमीटर पर आवर आप यहाँ पे मान लीजिए। एक्स क्या है फ्रेंड्स, क्या है फ्रेंड्स मैन इन स्टील, स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर। अच्छा और टू ए सर्टेन अप स्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मैं फ्रेंड्स मतलब क्या है, ए से गया बी पे और फिर बी से आ गया ए पर, मतलब फ्रेंड्स दो केसेस हैं केस 1 केस 2, और फ्रेंड्स क्या है अब दिख रही होगी आपको केस 1 केस 2, और दोनों में फ्रेंड्स क्या है डिस्टेंस ट्रेवल दोस्तों सेम है ठीक है। तो आपको इस केस के लिए मैंने जो ट्रिक बताई थी वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तो हम मैं डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिक लिख दूंगा, अगर आपको वो सीखना है तो आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें। और वाई फ्रेंड्स इसका क्या है 1.5, तो मैं डायरेक्ट अगर लिखूं कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी फ्रेंड्स, एवर ऑफ टोटल जर्नी क्या हो जाएगी सिंपली, जिन्होंने देखा होगा उन्हें तो समझ में आ गई होगी अच्छे से एक्स ठीक है फ्रेंड्स, वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम इंटू वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम बाई एक्स ठीक है। तो एक्स क्या है 4.5 + 1.5 × 4.5 - 1.5 / 4.5, है ना, तो 4.5 + 1.5 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4 × 1 = 5 = 1 = 6, और इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ये 3, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4.5, तो
यहाँ से चला गया फ्रेंड्स यहाँ 10, 3 से चला गया यहाँ 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 दूना 10, फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा 4। तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड इसकी क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि जो इसकी एवरेज स्पीड आनी है वो 4 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है, और यही हमारा आंसर होगा। तो इसको मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है इसके पार्ट वन में, तो आप उसे जरूर देखें। ए मैन रोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम। आज हम लोग अपने अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए मैन रोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन अ 55 मिनट इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर। फ्रेंड फ्रेंड फाइंड द आपकी स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, तो वाई आप मान लीजिए कि 2 किलोमीटर पर आवर है, एक्स आपका अननोन है, मतलब एक्स को आप ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स तो निकालना ही है। ए मैन रोज इन अप स्ट्रीम। फ्रेंड्स अप स्ट्रीम की बात की इसने, अप स्ट्रीम की बात की इसने, वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, आप तुरंत निकालने क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए जल्दी, एक्स माइनस वाई होती है, तो ये क्या हो जाएगी फ्रेंड्स एक्स माइनस टू, काफ़ी ईजी चीज़ है। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये स्टील वाटर में जो वेलोसिटी है फ्रेंड्स ये एक्स है, और ये वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम क्या होती है माइनस होती है, धारा के विपरीत दिशा में है। अच्छा तो इसने इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, डी बराबर फ्रेंड्स कितना है आपका इसमें 10 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा और इसकी टाइम आपको नहीं दे रखी है, ठीक है, ओवरऑल टाइमिंग है। तो फ्रेंड्स टाइम इन अप स्ट्रीम, फ्रेंड्स टाइम इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो 10 बाई x-2, आप समझ रहे होंगे है ना। अच्छा एंड द स्पीड एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रेंड्स बैक अगेन मतलब ए से बी गया और फिर बी से फ्रेंड्स ए को आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो इसकी सेम हो जाएगी इस केस में। अच्छा आप एक बात बताइए, एक केस में अगर धारा की चाल इस साइड है, ठीक है, धारा की चाल इस साइड है और एक आदमी एक बोट है इसी साइड जा रहा है, तो एक केस में तो वो धारा के साथ चलेगा और जब वो वापस आएगा तो एक केस में उसको उल्टा चलना पड़ेगा, तो एक केस में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम आपको निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी फ्रेंड्स एक्स प्लस टू, तो और डिस्टेंस इसके लिए कितना है 10 किलोमीटर, तो फ्रेंड्स टाइम इन डाउन स्ट्रीम क्या लगेगा, टाइम इन डाउन स्ट्रीम क्या है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो 10 बाई x+2, सिंपल। तो अच्छा और ये दोनों की स्पीड, ये दोनों की टाइमिंग ओवरऑल टाइमिंग क्या दे रखी है इन्होंने 55 मिनट, तो टाइम इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 55 मिनट। और दोस्तों 55 मिनट को तो हम लोग 55/60 भी लिख सकते हैं, तो आपको ये लिख सकते हैं, नहीं लिखना ही पड़ेगा क्योंकि सारी यूनिट्स फ्रेंड्स आवर में दे रखी है, ठीक है। तो 10 बाई x+2 अब प्लस 10 बाई x-2 और इज इक्वल टू 55/60। तो आप यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ x-2, और फ्रेंड्स आपको आई थिंक अच्छे से दिख रही होगी है ना, 10 कॉमन ले ली। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ताकि फास्ट क्या है फ्रेंड्स, और 10 कॉमन लिए 1/x+2 प्लस 1/x-2 बचेगा, और इसे फिर मैंने वो जो नॉर्मल समेशन वाली जो रूल होती है फ्रैक्शन की वो मैंने लगा दी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 से 2 चली जाएगी। अच्छा और फ्रेंड्स क्या बचेगा यहाँ पे 10x/, अच्छा और a+b (a-b) के फॉर्मूला क्या होती है फ्रेंड्स x²-4, मतलब a²-b²। तो आप यहाँ पे इजीली तरीके से इसको फाइंड कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, आप यहाँ से इसको इजीली फाइंड आसानी से कर पाएंगे। तो अब इसे हम लोग को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आई थिंक कि। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ एक x+x फ्रेंड्स क्या होता है 2x, तो यहाँ पे 2 से तो 10 × 2x हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 10 × 2x क्या होगा, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ फ्रेंड्स, 10 × 2x आएगा इज इक्वल टू x²-4 इज इक्वल टू 55/60 है, तो फ्रेंड्स ये 20 हो जाएगा, ठीक है, x+x फ्रेंड्स क्या होता है 2x। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है आपकी 60 है, तो आप यहाँ पे टोटल जो है फ्रेंड्स आपकी जो आएगी वो
क्या आ जाएगी, 11x² - 240x -44 = 0। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये वाला फाइंड कर पाएंगे। अच्छा, तो आप इसके बाद इसे क्या करना होगा फ्रेंड, इसे फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो मैं फ्रेंड्स मैं इस पे एक जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को देखते ही आंसर कर पाए। बैंकिंग सेक्टर में तो काफ़ी पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आप यहाँ, आपको पता होगा कि फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक मतलब एक टाइप का डेमो दे रहा हूँ, आप अच्छे से देखें कि फ्रेंड्स यहाँ क्या है, 11x² - 240x और -44 = 0 है। आपको फ्रेंड्स इसको और इसको गुना करना होता है, तो आप गुना करें 44 × 11। फ्रेंड्स आप इसके बाद इसको इस तरह से दो भागों में फैक्टराइज करना है कि आप 11 का फैक्टराइजेशन क्या होगा फ्रेंड्स, 11 1, इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 11 और 4, माइनस को हम लोग बाद में देख लेंगे, और फ्रेंड्स 4 किस तरह से टूट जाएगा 2 और 2 में। आई थिंक कि फ्रेंड्स आपको अब पहले से ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। चलिए तो फ्रेंड्स हमें इस तरह से लिखना है कि तो टू टू टर्म में कि मल्टीप्लाई करने पर ये जो वैल्यू है फ्रेंड्स माइनस के साथ वो आ पाए, इसकी जो वैल्यू है, और फ्रेंड्स इसे जोड़ने या घटाने पे बीच वाली आ पाए। तो फ्रेंड्स इसे हम देखते हैं 11 22 22, और यहाँ 240 चाहिए, मतलब थोड़ा सा बड़ा संख्या लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो 11 11 फ्रेंड्स ये है, इतना का फ्रेंड्स आपको यूज़ करना ही करना है ना। तो फ्रेंड्स अच्छा, तो फ्रेंड्स मिल गया ये क्या है फ्रेंड्स, इतना में आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं, अगर आप 11 और 22 को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 2 रख दें और यहाँ पे माइनस कर दें और यहाँ प्लस कर दें, तो आप फ्रेंड्स ये पा लेंगे। जैसे देख लीजिए, आप 11 × 22 करिएगा क्या आएगा, देखिए 11 × 22, 11 दूना 22 के 2 हासिल हुए, 11 दूना 22 24, 242, 242 × 2 फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 44 × 11, आप करके देख लें, यहीं से सिंपल दिख रही होगी आपको, और 242 में से 2 चल जाएगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 240, और चूंकि माइनस है तो माइनस है, तो बड़े वाले पे माइनस छोटे वाले पे। अब डायरेक्ट फ्रेंड यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, कैसे आंसर लिखेंगे, तो पहले जो x² का कोफिशियंट है उसे यहाँ पे हम लोग डिवाइड दे देते हैं, डिवाइड देने के बाद जो अपोजिट आता है वो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अपोजिट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड, ये माइनस है तो प्लस, तो 11 × 22 / 11 और क्या हो जाएगा फ्रेंड, -2/11। तो 11 से 11 चला गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 22 किलोमीटर पर आवर। माइनस तो वेलोसिटी हो नहीं सकती, तो वी विल डिस्कार्ड दिस। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, अगर आई है तो कृपया प्लीज आप हमारे चैनल एनीबॉडी कैन सॉल्व को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले जो है सो ये सब जानकारी आपको प्राप्त हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, एंड इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के मंग, ताकि उनको भी गवर्नमेंट जॉब्स और कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट या किसी भी टाइप के एग्जाम में उनको मदद मिल सके। थैंक यू।